एक मंदिर जहां शिव जी पर चढ़ाई जाती है झाड़ू, आपको सुन के बड़ा ही गजब लगा होगा ना। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। भगवान शिव जी पर बेलपत्र और धतूरे का चढ़ावा तो आपने सुना होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक शिव मंदिर में भक्त उनकी आराधना झाड़ू चढ़ाकर करते हैं। मुरादाबाद जिले के बिहाजोई गाँव के प्राचीन शिव पातालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु अपने त्वचा संबंधी रोगों से छुटकारा पाने और मनोकामना पूर्ण करने के लिए झाड़ू चढ़ाते हैं। इस मंदिर में दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्त सिर्फ मुरादाबाद जिले से ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों और दूसरों से प्रांतों से भी आते हैं। मंदिर के एक पुजारी का कहना है कि यह मंदिर करीब 150 वर्ष पुराना है। इसमें झाड़ू चढ़ाने की रस्म प्राचीन काल से ही है। इस शिव मंदिर में कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक शिवलिंग है जिस पर श्रद्धालु झाड़ू अर्पित करते हैं। पुजारी ने बताया कि वैसे तो शिव जी पर झाड़ू चढ़ाने वाले भक्तों की भारी भीड़ रोज लगती है, लेकिन सोमवार को यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। धारणा है कि इस मंदिर की चमत्कारी शक्तियों से त्वचा के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इस धारणा के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। इस मंदिर में झाड़ू चढ़ाने के पीछे क्या है प्राचीन कथा, चलिए आज हम जानते हैं। इस गांव में भिखारी दास नामक एक व्यापारी रहता था जो गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। वह त्वचा रोग से ग्रसित था। उसके शरीर पर काले धब्बे पड़ गए थे जिनमें से उसे पीड़ा होती थी। एक दिन वह निकट के गांव के एक वैद्य उपचार कराने जा रहा था कि रास्ते में उसे जोर की प्यास लगी। तभी उसे एक आश्रम दिखाई पड़ा। जैसे ही भिखारी दास पानी पीने के लिए आश्रम के अंदर गया, वैसे ही दुर्घटनावश आश्रम की सफाई कर रहे महंत के झाड़ू से उसके शरीर का स्पर्श हो गया। झाड़ू के स्पर्श होने के क्षण भर के अंदर ही भिखारी दास के जो है जो रोग थे त्वचा के, वो जल्द ही ठीक हो गया। जब भिखारी दास ने महंत से चमत्कार के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह भगवान शिव का प्रबल भक्त है, यह चमत्कार उन्हीं की वजह से हुआ। भिखारी दास ने महंत से कहा कि उसे ठीक करने के बदले में सोने की अशर्फियों से भरी थैली ले लें। महंत ने अशर्फी लेने से इनकार करते हुए कहा कि यदि आप कुछ लौटाना चाहते हैं तो आश्रम के स्थान पर शिव मंदिर का निर्माण करवा दें। कुछ समय बाद भिखारी दास ने वहां पर शिव मंदिर का निर्माण करवा दिया। धीरे धीरे मान्यता हो गई कि इस मंदिर में दर्शन कर झाड़ू चढ़ाने से त्वचा के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। हालांकि इस मंदिर में ज्यादातर श्रद्धालु त्वचा संबंधी रोगों से छुटकारा पाने के लिए आते हैं, लेकिन संतान प्राप्ति व दूसरी तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी श्रद्धालु भारी संख्या में मंदिर में झाड़ू चढ़ाने आते हैं। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।